सो हे गाइज, वेलकम टू द मेस्मराइज बायो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्पॉन्सेज टू द अबायोटिक फैक्टर्स। सो अबायोटिक फैक्टर्स जो है हम वो सारे पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं रिस्पॉन्सेज टू द अबायोटिक फैक्टर्स। सो हमारा चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा। तो रिस्पॉन्सेज टू अबायोटिक फैक्टर्स में इसका क्या मतलब है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉप विद स्ट्रेसफुल कंडीशंस बाय वेरियस मेथड्स। सो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, सो इनको कैसे वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं रिस्पॉन्सेज टू द अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेट। सो रेगुलेट क्या होता है? सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर नोन एज रेगुलेटर्स। सो सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म आई है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हम पहले समझ लेते हैं कि क्या चीज़ होती है ऑस्मोटिक। सो आपने ऑस्मोसिस नाम सुना होगा, तो नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऑस्मोसिस जैसे कि जो गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। ठीक है, तो एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जिससे जो है वो गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दो कंटेनर लेते हैं हम। मैं रेड वाला पेन यूज़ कर लेती हूँ। तो हम दो कंटेनर लेते हैं, लेट्स टेक अ येलो पेन। तो हम दो कंटेनर लेते हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इसके सिर पे चला गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये कुछ मेरे पास सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर भी मेरे पास पार्टिकल्स हैं। मैं इसको नाम दे देती हूँ डाइल्यूट। ठीक है, और इसको मैं दे देती हूँ कंसंट्रेटेड। सो एक मेरे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, एक मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। अब इन दोनों में क्या होगा कि दोनों पार्टिकल्स में डाइल्यूट में क्या है कि जो वाटर है वो ज़्यादा है। ठीक है, वाटर जो है वो ज़्यादा है, और कंसंट्रेटेड में जो है ऑब्वियसली वाटर का जो लेवल है वो लो है। ठीक है, वाटर का लेवल उसमें लो है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें शुगर के भी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये जो आप रेड रेड देख रहे हो ये शुगर के मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, तो इसमें शुगर के भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये तब तक जो है वो मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज होते रहेंगे जब तक जो है एक लेवल जो है वो बैलेंस ना हो जाए, जब तक दोनों साइड पे जो है वो एक जैसे मॉलिक्यूल्स ना हो जाएं, तो उसको हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। तो ऑस्मोसिस आपको पता चल गया क्या होता है, तो उसी को जो है वो प्रोसेस को जब वो करते हैं तो उसको ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं कि अपने अंदर जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसको बनाए रखते हैं, चाहे बाहर कुछ भी टेम्परेचर है, बाहर कुछ भी टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं, डिस्पाइट इसके वो अपने अंदर जो है वो टेम्परेचर बनाए रखते हैं। जो वो ऑर्गेनिज्म बनाए रखते हैं उसको रेगुलेटर्स बोलते हैं। तो व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ये भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ओनली बर्ड्स एंड मैमल्स और वेरी फ्यू लोअर वर्टेब्रेट्स एंड इन वर्टेब्रेट्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रेगुलेटर्स। सो वर्टेब्रेट्स कौन से होते हैं? वर्टेब्रेट्स जैसे जिनकी स्पाइनल कोड होती है, स्पाइनल कोड मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, वो जो है एनिमल्स को जो है दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स के, तो वर्टेब्रेट्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टेब्रेट्स वो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे कि मॉस्किटो।
ठीक है, जैसे कि कॉकरोचेस। सो इनके पास जो है वो इनका वर्टेब्रा नहीं होता है। तो ये जो कुछ एनिमल्स हैं, बर्ड्स या कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि रेगुलेटर्स होते हैं, जो कि अपना जो टेम्परेचर है वो उसको बनाए रखे रह सकते हैं डिस्पाइट ऑफ द एक्सटर्नल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, ऑल परफॉर्म होम्योस्टेसिस। अभी हम जानेंगे कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है कि अंदर अपना टेम्परेचर बनाए रखना। तो पहले हम देख लेते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि एक इंटरनल जो एनवायरनमेंट है हमारा, उसको कांस्टेंट रखना, उसको बनाए रखना, उसको डिस्टर्ब मत करना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज आज जब भी आप खाना खाते हो, ठीक है, जब भी आप खाना खाते हो तो जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जब वो इंक्रीज हो जाता है तभी हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो हमारे नर्व से होके हमारे जो पैनक्रियाज हैं, ठीक है, पैनक्रियाज होते हैं ना, तो पैनक्रियाज को जाके वो सिग्नल देता है कि अभी तुम इंसुलिन हार्मोन छोड़ दो, क्योंकि बॉडी में जो है ब्लड का लेवल, ब्लड शुगर जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। इसलिए पैनक्रियाज को ब्रेन हमारा बोलता है कि भैया अब तुम छोड़ दो इंसुलिन। ठीक है, तो जब वो पैनक्रियाज इंसुलिन को छोड़ देते हैं तो जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो हो जाता है डिक्रीज, और वो चल जाता है लीवर के पास। तो लीवर के पास जब हमारा जो है वो जो शुगर है वो स्टोर हो जाती है उसमें, तो लीवर फिर हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि ब्रेन अब सब ठीक है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो मैंने जो है ब्लड शुगर जो लेवल है वो कंट्रोल कर लिया है। तो ऐसे जो है हमारे बॉडी में ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसेस होते हैं रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमें नहीं पता चलते, लेकिन वो जो है अंदर ही अंदर हो रहे होते हैं, अपना वो हमारी बॉडी काम कर रही होती है। ठीक है, तो इसे जो है होम्योस्टेसिस बोल देते हैं कि एक इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखना, उसको ख़राब मत होने देना। तो जो रेगुलेटर्स हैं ये कैसे करते हैं, ये करते हैं थ्रू द थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन होता है मेनली ये क्या करते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखते हैं। अभी टेम्परेचर बॉडी का क्यों करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है उसको मेंटेन, बिकॉज जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है ना उससे हमारे अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो जो वो एंजाइम्स जो है ना उनको एक स्पेसिफिक जो है वो टेम्परेचर चाहिए होता है कि वो इतने ही डिग्री पे जो है वो काम कर सकते हैं। सो हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो हमारे अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको वो ऐसे बने होते हैं कि वो इतने ही टेम्परेचर पे जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे चल जाता है तो हम जो है मर भी सकते हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनिजम्स के लिए अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो वो एक थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस से करते हैं। दूसरा वो करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। सो ऑस्मो रेगुलेशन जो मैंने आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताया है वही है कि हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर, सॉल्ट एंड वाटर, इनके लेवल्स को जो है बनाए रखना, ठीक है, इनके लेवल्स को बनाए रखना, ये ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस प्रोसेस में आ जाता है। तो बाय फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स एंड रेयरली बाय बिहेवियर चेंजेस। सो ये अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से जो है ये इसको करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कन्फर्म। सो कन्फर्म क्या होता है, कॉन्फर्म, तो आप इसको जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैं इसको कॉन्फर्म बोल रही हूँ।
Most of the animals and nearly all plants do not have a mechanism to maintain a constant internal body temperature. So mostly जितने भी plants होते हैं और animals होते हैं उनमें इतनी adaptations नहीं हुई हैं कि वो जो है अपना body का temperature maintain कर पाए. तो वो क्या करते हैं, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द सराउंडिंग टेम्परेचर. तो उनका जो है बॉडी टेम्परेचर जो है, जो बाहर टेम्परेचर है उसके उसके सराउंडिंग जो है वो चेंज होता रहता है. दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स इन विच ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू चेंजेस अकॉर्डिंग टू एम्बिएंट कंडीशंस ऑफ वाटर आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स. सो कन्फॉर्मर्स वो होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जहाँ बाहर जितना टेम्परेचर है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी उसी के हिसाब से जो है वो चेंज होता रहता है. तो उसको हम कन्फॉर्मर बोलते हैं. ठीक है, कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो कि कुछ जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट कर सकती हैं. तो उसको हम पार्शल रेगुलेटर्स बोल देते हैं. पार्शल क्यों, क्योंकि वो कुछ हद तक ही अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकती हैं, पूरी तरह नहीं कर सकती हैं वो स्पीशीज़. सो इसीलिए उसको पार्शल रेगुलेटर्स बोल देते हैं. बिकॉज बियॉन्ड दैट लिमिट दे बिकम कन्फॉर्मर्स. ठीक है, तो अगर वो इतना भी नहीं कंट्रोल कर पाएंगी अपनी बॉडी का टेम्परेचर तो इसके बाद वो क्या बन जाएंगी, कन्फॉर्मर्स बन जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट आ जाता है माइग्रेशन. सो माइग्रेशन जितने भी हमने लेक्चर पढ़े हैं उनमें ज़रूर एक वर्ड आया है, माइग्रेट, है ना. तो माइग्रेट मैंने आपको बताया है कि जब एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पर चल जाता है क्योंकि उसको वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर उसको अपनी कंडीशन जो है वो फेवरेबल दिखती हैं. तो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड कैन माइग्रेट टेम्पररी फ्रॉम द अनफेवरेबल हैबिटेट टू मोर फेवरेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन फेवरेबल पीरियड इज ओवर. सो जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, जैसे कि साइबेरिया से बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, हर विंटर में वो इंडिया आते हैं. ठीक है, तो अपनी विंटर्स अपनी सर्दियां काटने के लिए वो यहाँ पर आते हैं इंडिया में. तो माइग्रेशन वही है कि अगर वो अपना कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइग्रेट नहीं करते तो वो वहीं पर अपना जो है बॉडी टेम्परेचर बना लेते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर चल जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाहर हो, ठीक है, तो अगर आप बाहर हो और बाहर टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो गया तो आप वहाँ से चल जाओगे अपने घर में, है ना. तो अपने घर में चल जाओगे, एसी के नीचे बैठ जाओगे, तो आप उतना जो टाइम है वो अपना स्पेंड कर लोगे, है ना. तो बट ये था शॉर्ट टर्म. लेकिन जो माइग्रेशन में जो एनिमल्स बर्ड्स होते हैं वो जैसे पूरी सर्दियां पूरे 6 महीने या 7-8 महीने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे. उसके बाद आ जाता है सस्पेंड. तो सस्पेंड के मतलब नाम पता चल रहा है, कुछ सस्पेंड हो रहा है यहाँ पे. तो सस्पेंड का क्या है, ऑर्गेनिज्म स्टॉप देयर डेवलपमेंट टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस. सो कुछ ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपनी डेवलपमेंट को ही स्टॉप कर देते हैं, वो ग्रोथ करना ही बंद कर देते हैं. तो वो कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई या लोअर प्लांट्स. वो क्या करते हैं कि अपने बाहर जो है थिक वॉल्ड स्पोर बना लेते हैं, ठीक है, तो ताकि वो जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं वहाँ पर सर्वाइव कर सके. और जब वो अनफेवरेबल कंडीशन चली जाए तब वो जर्मिनेट कर पाएँ, तभी वो अपनी जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज कर पाएँ. लेकिन जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, उनके फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है, तब तक वो जो है अपने आप की ग्रोथ को रोक लेते हैं. पोलर बियर्स
अंडरगो हाइबरनेशन। सो पोलर बियर्स क्या करते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, मतलब वो जितनी भी सर्दियां होती हैं तो उस सर्दियों के लिए वो स्लीप कर जाते हैं, सो जाते हैं। पोलर बियर्स नहीं, बहुत सारे ऐसे और भी एनिमल्स हैं जो हाइबरनेशन कर जाते हैं टू स्केप कोल्ड, जैसे कि स्नेल्स अंडरगो एस्टिवेशन। सो हाइबरनेशन का उल्टा है एस्टिवेशन। सो स्नेल जो है वो गर्मियों में ऐसा करती हैं। एंड ज़ू प्लैंकटन्स एंटर डिस्पोज स्टेज। सो ज़ू प्लैंकटन्स भी क्या करते हैं, डायपोज स्टेज में चल जाते हैं, वो भी अपनी जो है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रोक लेते हैं। उसके बाद आज का हमारा क्विज है, रिसेम्बलेंस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैमोफ्लाज वार्निंग कलरेशन, मलेरियन मिमिक्री एंड बैट्सन मिमिक्री। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, अगर आपको नहीं भी आंसर पता है तब भी ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। आपको अगर इसका आंसर नहीं भी पता है तब भी कमेंट करो, पता है तब भी कमेंट करो, ट्राई करने में क्या जाता है, कुछ भी गेस मारो, ठीक है। तो जो है आपको इसका राइट आंसर भी पता चल जाए। और जो पिछली वीडियो में मैंने क्विज पूछा था तो उसका आंसर था डी, सी हॉरिजोन। सो सी हॉरिजोन क्यों इसका आंसर है, तो हमारा क्वेश्चन था विच हॉरिजोन ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज सैचुरेटेड विद मॉइस्चर एंड रिप्रेजेंट्स वाटर टेबल। सो सी हॉरिजोन जो सॉइल प्रोफाइल में वो सबसे नीचे की तरफ आता था, सो वो एक रॉक बेड प्रोफाइल थी, तो रॉक बेड प्रोफाइल सबसे नीचे थी और सबसे अर्थ के पास थी, तो आपको पता है कि ज़मीन के अंदर पानी होता है, तो इसीलिए जो है वो सी हॉरिजोन जो है वो वाटर टेबल जो है वो रिप्रेजेंट्स करती है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ गुड डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।